नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिग बॉस 13 की। सिद्धार्थ ने किया रश्मि से अपने झगड़े की असली वजह का खुलासा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला ने रश्मि देसाई की कैसे खोली बोल और क्या क्या बोला। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। बिग बॉस 13 के घर में आई एक मशहूर शख्सियत ने सभी घर वालों की पोल खोल दी। ये शख्सियत बारी बारी से घर वालों को कटघरे में लेकर आई और उनसे सवाल पूछे जो जनता जानना चाहती है। इस शख्सियत के निशाने सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई भी आए। इन दोनों से इनकी निजी जिंदगी को लेकर कई सवाल पूछे गए। इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला ने रश्मि देसाई और अपने झगड़े की असली वजह का खुलासा कर दिया। बिग बॉस के 11 फरवरी के एपिसोड खत्म होने से पहले सिद्धार्थ शुक्ला सवाल के जवाब दे रहे थे। सिद्धार्थ के सवाल जवाब का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। 11 फरवरी का एपिसोड खत्म होने के बाद एक 12 फरवरी के एपिसोड का प्रोमो दिखाया गया। इस प्रोमो में सिद्धार्थ अपने और रश्मि के रिश्ते पर खुलासा करते हुए दिखाई दिए। एंकर के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, सिद्धार्थ सर बात उठी है तो मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं रश्मि को पहले बहुत ज्यादा पसंद करता था। सेट पर एक बार इसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे चीजें खराब हो गई। एक बार इसने शो के दौरान इंटरव्यू दिया था जो छपा था। इसमें इसने कहा था कि मुझे इन चीजों से ज्यादा परेशानी होती है। जो इसने वजह बताई थी उसमें 10 में से 9 चीजें ये खुद करती थी। सिद्धार्थ ने आगे कहा, मैंने मेकर से बात की, उन्होंने कहा ये तो तुम नहीं ये करती है। इसके बाद से चीजें खराब होने लगी। रश्मि इतना झूठ बोल सकती है, इस बात से साफ होता है। आपको बता दे, सिद्धार्थ से पहले रश्मि भी कटघरे में आई थी। रश्मि से भी सिद्धार्थ और उनके रिश्ते को लेकर कई सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई की असली वजह ये थी, जिसमें गलती रश्मि देसाई की थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।